नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। देहरादून में 22वें उत्तराखंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ सीएम धामी ने किया है शुभारंभ। प्रतिभागी युवाओं का बढ़ाया गया है उत्साह। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी है बधाई। देहरादून के राजभवन में डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्यपाल से की है मुलाकात। प्रदेश के कानून व्यवस्था सहित चारधाम कांवड़ यात्रा को लेकर की है चर्चा। केदारनाथ धाम के नाम पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठा पद रक्षा यात्रा की शुरू। बीजेपी अध्यक्ष का बयान, बोले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही ड्रामा। प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जारी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कसी है कमर। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जारी। विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट पर होगा उपचुनाव। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने किया है जीत का बड़ा दावा। बोले केदारनाथ की जनता को बीजेपी पर है विश्वास। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर का फिटनेस सेंटर पर छापा। आरटीओ को नोटिस हुआ है जारी। कुमाऊं कमिश्नर बोले भ्रष्टाचार नहीं होगा बर्दाश्त। कांवड़ को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की समन्वय बैठक। अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश। अलवर एसएसपी ने टैक्सी चालक हत्याकांड का किया है बड़ा खुलासा। टैक्सी चालक के लूट का विरोध करने पर हुई थी हत्या। दो हत्यारोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। खटीमा में धूमधाम से मनाया गया है लंच क्लब खटीमा सेवा का तीसरा स्थापना समारोह। काफी संख्या में लोग रहे मौजूद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने के मामले में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण वारा ने हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि यात्रा विभिन्न पड़ावों से होते हुए केदारनाथ धाम तक जाएगी। जनता पार्टी ने और भाजपा सरकार ने धार्मिक आस्था विश्वास और केदारनाथ धाम के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये क्षम्य नहीं है, ये अपराध है, पाप है और सनातन धर्म में जो अनुयायी है, जो सनातन धर्मी है, उनकी भावनाओं के साथ भी कहीं न कहीं भाजपा ने एक प्रकार से प्रहार किया है और इसी को लेकर आज पवित्र धरती हरिद्वार हर की पैड़ी से केदारनाथ। वैसे तो लाउड एंड क्लियर है कि ये चारों धाम हमारी आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक है। इनके साथ जब भी कोई छेड़छाड़ की जाएगी, हमारी परंपराओं के साथ, हमारे आध्यात्मिक स्वरूप के साथ कभी छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ गलत कदम उठाए जाएंगे, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड का जनमत जो है खड़ा होगा। और असलियत यह है कि राम का नाम लेने वाले, भगवान केदार की बात करने वाले खुद एक व्यवसायी के मंदिर का उद्घाटन करने जाते हैं, शिलान्यास करते हैं और कहते हैं यहाँ आगे भी वही पुण्य मिलेगा जो केदारनाथ जाके। मन चंगा तो कटौती में गंगा भाई, आप ध्यान ही बैठ के कर लो, केदार बाबा का आशीर्वाद मिल जाएगा कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है उसका विरोध कर रहा है, एक्सपोज करने का ही काम है। वही इस केदारनाथ बचाओ यात्रा को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर विशाल गर्ग ने कांग्रेस की बुद्धि शुद्धि के लिए गंगा घाट का हवन किया है। इस मौके पर डॉक्टर विशाल गर्ग ने कहा है कि हिंदुओं की आशा का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस की ओर से जिस तरह से झूठा प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो सरासर गलत है। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। देखिए, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरह कांग्रेस जो है वो झूठी और भ्रामक खबरें फैला रही है, जिस तरह के ढकोसले इनके लोग कर रहे हैं,
सभी जानते हैं कि 2013 में जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तो किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और किस तरह से हरीश रावत ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को, सैकड़ों हिंदुओं को मरने के लिए तब छोड़ दिया था। और आज ये लोग केदारनाथ धाम को लेकर भ्रामक अफवाहें फैला रहे हैं। इनके नेता हिंदुओं को हिंसक बताने का काम करते हैं, इनके नेता सनातन धर्म को कोसने का काम करते हैं, इनके नेता सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने का काम करते हैं। आइए, केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरह के ढकोसले कर रहे हैं, ये तो वही बात होगी 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है, और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कई अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर कठोर निर्णय लिया है, और सरकार ने ये तय किया है कि धामों के नाम से, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, इसके नाम से देश में कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है, और इसके लिए भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग कहीं होगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। दो सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब सबकी निगाहें केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। दरअसल केदारनाथ सीट विधायक शैला रानी रावत के निधन के चलते खाली हुई है। ऐसे में अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। वहीं इस सीट पर बीजेपी अभी से अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो कभी बीजेपी की नहीं है। पर बावजूद इसके वहां पर बीजेपी ने अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि केदारनाथ सीट पर जीत का दावा भी उन्होंने किया है। केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। और जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बागडोर संभाली है, हमारी चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। और हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें तो केदारनाथ में जिस प्रकार से जिस आपदा को का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कारगिल शहीद हवलदार सुभाव सिंह स्मृति द्वार का उद्घाटन किया है। इस दौरान नवनिर्वाचित मेयर सुनील उनियाल, गामा समेत भारतीय सेना के जवान, उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहे। दिल्ली में दो दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक है। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया है कि बैठक में आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर विचार विमर्श होने के बाद शेड्यूल तय किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक सदस्यता नए सिरे से शुरू होने जा रही है, जिसके बाद सक्रिय सदस्यता होगी, जिसका सत्यापन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक पर्व प्रारंभ हो रहा है, और हमारी जो सदस्यता, विगत सदस्यता थी, चाहे वो प्राथमिक सदस्यता रही हो चाहे सक्रिय सदस्यता रही हो, उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर बैठक 25 और 26 तारीख को हो रही है, उसमें आगे के कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होने के बाद एक शेड्यूल तय होगा, और हमारी प्राथमिक सदस्यता एकदम नए सिरे से प्रारंभ होने जा रही है, उसके बाद सक्रिय सदस्यता होगी, सदस्यता का सत्यापन किया जाएगा, और फिर हमारे बूथ अध्यक्षों से लेकर के चुनाव प्रारंभ होगा संगठन का। जहां एक ओर देश में कुछ नफरती लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाईचारा और एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। दरअसल पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक एक धार्मिक स्थल है, जहां पर सभी धर्म के लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं। वहीं एक शिव भक्त कावड़िया पिरायन
कलियर दरगाह साबिर प्रसाद चढ़ाने पहुंचाए। तो हमने सोचा कि चलो हम दरगाह में दर्शन के लिए जाएं, तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ जो कहते हैं कि एक शक्ति है, पावर है, वो हमें यहाँ पे आके महसूस हुई। ठीक है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमें भाईजान ने जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट दिया, उसका हम दिल से धन्यवाद। रुड़की आईआईटी में 24वें दीक्षांत समारोह की तैयारी जोरों पर चल रही है। 27 जुलाई को होने वाले दीक्षांत समारोह में नैसकॉम की अध्यक्ष से सुश्री देवजानी घोष मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस पर जानकारी देते हुए रुड़की आईआईटी के डायरेक्टर के पंत ने जानकारी देते हुए बताया है कि दीक्षांत समारोह छात्रों की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक उत्सव है। आपको पता है कि हमारा आगामी शनिवार को 27 जुलाई को दीक्षांत समारोह है और जिसमें कुल मिलाकर 2513 डिग्रियां दी जाएंगी और जिसमें 442 जो हैं हमारे शोध छात्र हैं जो पीएचडी करते हैं वो हैं और 1277 जो हैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, 794 जो है मास्टर स्टूडेंट हैं। तो ये पीएचडी स्टूडेंट की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा परसेंटेज है जो कि 442 स्टूडेंट्स जो हैं और जब हम बात करते हैं महिलाओं के योगदान की तो इसमें मोर देन 23% से ज़्यादा 23% से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो डिग्री लेंगी इसमें। टोटल जो मैंने बताया कि 2513 छात्रों में से, तो ये भी जो हम कहते हैं कि किस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण करें, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जितनी आगे आएंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो उससे समाज को फ़ायदा होगा। लोकेशन की दो तीन विशेषताएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला, पूरा देश हमारी पूरी सरकार चाह रही है कि महिलाओं को फोर फ्रंट पर लाए, तो इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो एक ऐसी महिला है मिसेज देवजानी घोष जो कि महिलाओं के कॉज को बहुत आगे तक लेके गई है। खुद से भी वो एक मोटिवेशन है सब महिलाओं के लिए। ओके, तो वो इस समय नैसकॉम की हेड है, नीति आयोग की एक बहुत मेन मेंबर होने वाली है और इंटेल जो इंडिया है उसको जो चिप्स बनाते हैं कंप्यूटर्स की उसको हेड किया है, पहली महिला रही है जिन्होंने उसको हेड किया। तो वो एक तरह से मोटिवेशन का सोर्स है सब लोगों, सब स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए। दूसरा ये है कि इस बार हमारे पीएचडीज जो निकल रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिनको डिग्री मिल रही है, वो सबसे ज़्यादा नंबर है, 442 नंबर। उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल एफर्ट्स लगाए कि जिन बच्चों का काम थोड़ा स्लो चल रहा था किसी कारण से, जैसे कोरोना वगैरह से भी स्लो डाउन हो गया था, उनको हमने पुश किया कि आप अपनी डिग्री करो और जीवन में अपने आगे मूव करो। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारी पूर्ण कर ली। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य के शेष 6 नगर निकायों के विस्तृत पुनरीक्षण का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। नगर निकाय चुनाव होने हैं, उनमें से 93 नगर निकायों के लिए हम लोग अभी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हम कर चुके हैं 2/2/2024 को। इसके अतिरिक्त 6 हमारी नगर निकाय हैं जिनके नाम हैं नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्ति नगर, रुड़की एवं बासपुर। इनका भी हम लोगों ने विस्तृत पुनरीक्षण जो है उसका शेड्यूल निकाल दिया है। और जो कि प्रदेश में चल रही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अब अधिकारी भी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के सेक्शन से माफिया में बौखलाहट देखने को मिल रही है। प्रदेश को अवैध खनन के धंधों से मुक्त बनाने के लिए वन विभाग की टीमों की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। क्या ही ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। धामी का धाकड़ एक्शन, धामी के निर्देश, अधिकारियों का एक्शन, अवैध खनन रोकने के लिए अभियान, वन विभाग का स्टोन क्रेशर पर हंटर। उत्तराखंड के जनपद नैनीताल और उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं का खूब बोलबाला रहा और खनन माफिया के रसूख के आगे सरकार भी नतमस्तक रही। हालांकि प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा अवैध खनन का ही बना रहा, अवैध खनन पर सरकारें बनती बिगड़ती रही, लेकिन खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में
सभी सरकारें फेल रहीं। लेकिन जब उत्तराखंड की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभाली तो धाकड़ फैसलों की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट साफ तौर पर देखी गई। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन में है और वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रैशरों को सीज कर लिया है और अभी दर्जनों से अधिक स्टोन क्रैशरों की विभाग की टीम की ओर से जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, वन विभाग की टीम ने कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोद दी है और सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को खोदने की कोशिश की तो उसके खिलाफ केस पंजीकृत कराया जाएगा। अवैध खनन की स्थिति को लेकर के हम लोग सदा से ही इस पर कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कुछ ज़्यादा ही एक बृहत जो है अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया गया, जिसमें जो भी क्रेशरों के द्वारा अवैध खनन का खनिज खरीदा जा रहा था उनके ऊपर डायरेक्ट कार्रवाई की गई है। तो इस तरह गुलजारपुर और जो गोबरा और जोगीपुरा के जो मिलाकर कुल मिला के 9 क्रेशर और जो स्टॉक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। बाकी उसके उनके ऊपर तो बड़ा जुर्माना लगाने के लिए जो खान विभाग अपने स्तर से कार्रवाई कर रहा है। ये क्योंकि अब ये अवैध खनन पर पूरी तरह से सख्ती के की कार्रवाई होनी है, तो इसलिए ये निश्चित तौर पर हम लोगों ने इनको सभी को संदेश दे दिया कि कोई भी अगर इस तरह से अवैध खनन में अगर लिप्त होगा तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाई होगी और खनन करने वाले जो भी क्रेशर हैं जिनके द्वारा खनिज खरीदा जा रहा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल धाकड़ धामी के निर्देशों पर वन विभाग के धाकड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं और धाकड़ एक्शन की वजह से खनन माफियाओं में बौखलाहट बनी हुई है। बस अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कब तक अवैध खनन से मुक्त होता है और खनन माफियाओं पर लगाम लगाने में धामी सरकार कब तक सफल होती है। काशीपुर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।